करौली जिला पुलिस ने वाहनों की ठगी करके फर्जी दस्तावेजों के सहारे दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह का सरगना हाकिम सिंह गुर्जर और साथी भरती उर्फ भरतलाल बोलेरो जीप और ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहनों को मोटे किराए पर लेता और वाहनों को अन्य राज्यों में बेचकर वाहन मालिकों को ठगने का काम करते हैं। गिरोह पर करौली, दौसा, भरतपुर और अलवर जिलों के विभिन्न थानों में 12 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और दलाल भी वाहनों के कागजात बनाने में इनके सहयोगी हो सकते हैं। इसकी भी गहनता से जांच कराई जा रही है। दो मामले क्रैक किए गए हैं, जिनमें एक मामले में करीब ठगी के 50 के आसपास व्हीकल्स, जो नए व्हीकल निकाल करके उनको अन्य राज्यों में बेच करके और चोरी का मुकदमा दर्ज करा करके यहाँ जो फाइनेंस कंपनियों के साथ घालमेल करके लोग रकम उठा रहे थे, उसमें सफलता मिली है। दो लोगों को अरेस्ट किया है और व्हीकल्स की जब्ती और संगठित ग्रोह के अन्य सदस्यों को इसमें